तो बीशोर सैनिक कैंटीन के ये सामाजिक कार्य और एक अच्छे बिजनेस और फास्ट रैपिड ग्रोथ की वजह से ही कंपनी को नॉमिनेट किया गया है। और ये जो कॉन्सर्ट है ये कंडक्ट किया जा रहा है रेडियो सिटी FM चैनल के द्वारा, और ये होने वाला है ग्रैंड हयात दुबई में 27 अगस्त 2022 को, जिसमें दुबई के जो हिज हाइनेस हैं उनके नेफ्यू और बॉलीवुड के काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज पार्ट लेने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है दुबई में 27 अगस्त को, आप इस कॉन्सर्ट को लाइव भी देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बीशोर सैनिक कैंटीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। इनफैक्ट दोस्तों मेरे काफी सारे भाई हैं जिन्होंने बीशोर सैनिक कैंटीन की फ्रेंचाइजी ली और आज की डेट में वो एक अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। इनफैक्ट दोस्तों जो ऐसी कंपनीज होती है जिन्होंने बहुत कम समय में रैपिडली ग्रो किया होता है अपने बिजनेस को, और उनकी ग्रोथ के साथ साथ काफी सारे लोगों का भी फायदा हो रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बीशोर सैनिक कैंटीन है उसने मात्र 1.5 साल में 450 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बीशोर सैनिक कैंटीन के आउटलेट ओपन किए हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को भला हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और साथ ही में दोस्तों काफ़ी सारे स्टोर अपकमिंग है, पाइपलाइन में है। तो बीशोर सैनिक कैंटीन की कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसकी वजह से बहुत रैपिडली ग्रो किया बीशोर सैनिक कैंटीन ने। इनफैक्ट दोस्तों बीशोर सैनिक कैंटीन को नॉमिनेट किया गया है द कैटेगरी फॉर एक्सेलेंस इन रिटेल चेन FMCG में, इन्होंने बहुत अच्छी क्रांति को लेकर आया। तो कहां पर इनको नॉमिनेट किया गया, इनफैक्ट ये जो कॉन्सर्ट है वो दुबई में होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आप इस कॉन्सर्ट को लाइव देख सकते हैं और काफी कुछ जान सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं एक बिजनेस के बारे में। सो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस की तलाश में हैं और काफी कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अब मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले पता चले। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊं, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। देखिए दोस्तों, आज से करीब करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बीशोर सैनिक कैंटीन के बारे में आपको बताया था कैसे आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कैसे आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इनफैक्ट मोर देन 7 लाख लोगों ने उसको देखा है, और आपके पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैनिक कैंटीन की ग्रोथ के बारे में, इनके कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। और ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से सैनिक कैंटीन ने बहुत रैपिडली ग्रो किया और FMCG इंडस्ट्री में बहुत एक क्रांति को लेकर आए हैं। और काफ़ी मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत करी है बीशोर सैनिक कैंटीन के साथ जुड़कर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, सिर्फ 1.5 साल में, मात्र एक छोटे से समय में बीशोर सैनिक कैंटीन ने 450 से भी ज़्यादा बीशोर सैनिक कैंटीन्स को ओपन कर दिया है, और काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स कमिंग है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कुछ टाइम बाद ओपन होने वाले हैं। तो बीशोर सैनिक कैंटीन के जो आउटलेट्स हैं वो लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक हैं और नागालैंड से लेकर अंडमान निकोबार तक हैं। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया के मैक्सिमम सभी स्टेट्स में बीशोर सैनिक कैंटीन ऑपरेशनल है और सक्सेसफुली रन हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि बीशोर सैनिक कैंटीन का टाइप जो है वो 100+ कंपनीज के साथ है, और बीशोर सैनिक कैंटीन किसी भी तरीके के अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं करती अपनी किसी भी बीशोर सैनिक कैंटीन में। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे ब्रांडेड होंगे, और 100 कंपनीज के साथ टाइप करने की वजह से जो कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मोर देन 1700+ प्रोडक्ट्स में जो बीशोर सैनिक कैंटीन है वो डील करती है। और साथ ही में दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको बीशोर सैनिक कैंटीन की क्या है, जो मुझे पर्सनली पसंद आई। देखिए यहाँ पर आप किसी भी FMCG इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ेगी, आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हिडन चार्जेस निकल कर आ जाते हैं। सो बीशोर सैनिक कैंटीन में आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की रॉयल्टी नहीं देनी है कंपनी को, किसी भी तरीके की फ्रेंचाइजी फीस आपको नहीं देनी है कंपनी को, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देना है। और ये चीज़ मैं आपको 1 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा नहीं कि कंपनी के भैया 450 से ज़्यादा आउटलेट खुल गए तो कंपनी की पॉलिसीज में चेंजेस हो जाए, कंपनी अपने जो फ्रेंचाइजी रूल्स हैं उसमें चेंजेस कर दें, नहीं, कंपनी तब भी कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करती थी, कंपनी आज भी कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करती थी, कंपनी तब भी कोई आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती थी, कंपनी आज भी आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती है, किसी तरीके का हिडन चार्जेस तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है। सो ये एक सबसे अच्छी बात है, कंपनी ग्रो कर रही है बट फ्रेंचाइजी के जो एग्रीमेंट है, जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पर FMCG इंडस्ट्री के जितने भी मिडिल मैन होते हैं जिसकी वजह से जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस हाई होता है, वो सब जो बीशोर सैनिक कैंटीन है उसने हटा दिया। कोई डीलर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है, बीशोर सैनिक कैंटीन डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को उठाता है मैन्युफैक्चर से और डिलीवर करता है अपने बीशोर सैनिक कैंटीन्स में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का मार्जिन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है एंड जो एंड कस्टमर है उनको भी प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के डेट में लोगों को सब कुछ अपने घर पर चाहिए होता है, सो समाज के साथ चलते हुए
बीशोर सैनिक कैंटीन ने भी होम डिलीवरी फैसिलिटी को चालू कर रखा है। सो जो भी नियरेस्ट कस्टमर होते हैं वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी ले सकते हैं बीशोर सैनिक कैंटीन के आउटलेट से। और दोस्तों बीशोर सैनिक कैंटीन के सभी आउटलेट्स में फेस्टिवल ऑफर्स, डिस्काउंट कूपन्स, गिफ्ट वाउचर्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से बहुत अच्छी सेल देखने को मिलती है हर बीशोर सैनिक कैंटीन के आउटलेट पे। दोस्तों आप सबको पता है बीशोर सैनिक कैंटीन दो बहुत अच्छे काम कर रहा है। सबसे पहला है इसमें कि जो बीशोर सैनिक कैंटीन है वो आम जनता के लिए। अब आप सबको पता है दोस्तों जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कैंटीन होती है उसमें सब लोग नहीं जा सकते, उसमें बेसिकली सिविलियंस नहीं जा सकते, उसमें सिर्फ डिफेंस पर्सन से जा सकते हैं या उनके डिपेंडेंट जा सकते हैं। बट बीशोर सैनिक कैंटीन के जितने भी आउटलेट्स हैं उनमें कोई भी जा सकता है, आम जनता का कोई भी नागरिक जा सकता है और वहां से सामान को खरीद सकता है। सबसे पहला अच्छा काम जो बीशोर सैनिक कैंटीन कर रहा है वो ये है। और दूसरा सबसे अच्छा काम जो बीशोर सैनिक कैंटीन कर रहा है वो ये कि जो भी मेरे सैनिक भाई रिटायर होते हैं और एक अच्छे बिजनेस की तलाश में होते हैं उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर देता है बीशोर सैनिक कैंटीन। वो बीशोर सैनिक कैंटीन के साथ जुड़कर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पा रहे हैं। सो इन दो बड़े कामों की वजह से बीशोर सैनिक कैंटीन एफएमसीजी इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया, जिसकी वजह से बीशोर सैनिक कैंटीन को नॉमिनेट किया गया है द कैटेगरी फॉर एक्सेलेंस इन रिटेल चेन एफएमसीजी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ रिटायर्ड सैनिक्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो बीशोर सैनिक कैंटीन को कोई भी सैनिक या फिर उनका परिवार खोल सकता है। तो बीशोर सैनिक कैंटीन के ये सामाजिक कार्य और एक अच्छे बिजनेस और फास्ट रैपिड ग्रोथ की वजह से ही कंपनी को नॉमिनेट किया गया है। और ये जो कॉन्सर्ट है ये कंडक्ट किया जा रहा है रेडियो सिटी एफएम चैनल के द्वारा और ये होने वाला है ग्रैंड हयात दुबई में 27 अगस्त 2022 को, जिसमें दुबई के जो हिज हाइनेस हैं उनके नेफ्यू और बॉलीवुड के काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज पार्ट लेने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है दुबई में 27 अगस्त को। आप इस कॉन्सर्ट को लाइव भी देख सकते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके डेफिनेटली इस कॉन्सर्ट को लाइव देख पाएंगे। अब देखना सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये कॉन्सर्ट होने वाला है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली है, तो क्या सैनिक कैंटीन को कोई अवार्ड मिलता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली चीज होगी। तो इसके लिए तो मैं भी वेट कर रहा हूं एंड डेफिनेटली मैं भी लाइव देखने वाला हूं इस कॉन्सर्ट को। तो आप भी देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सैनिक कैंटीन के साथ जुड़ना चाहते हैं या इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके कंपनी से अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके के और भी बिजनेस वीडियोस देखने के लिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे बिजनेसेस को देखकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's fake.